बोल रहा है चौकीदार चोर है, वो तो बेल में बाहर आया है, उसका तो अभी प्राइमा फेसी सिद्ध हो गया कि वो चोर है। और ये कोई सरकार डाली हुई केस नहीं है, ये तो मैंने व्यक्तिगत एक प्राइवेट सिटीजन के नाते मैंने केस डाली है और उनको रोज झड़प मिल रही है। सो हाईकोर्ट ने कह दिया इतनी बड़ी चोरी हमने कभी देखा नहीं, जब उन्होंने जमीन उसका जो नेहरल्ड हाउस को सरकार वापस ले लिया, तब इन्होंने जाकर हाईकोर्ट में अपील किया तो हाईकोर्ट ने कहा कि इतना बड़ा चोरी हमने कभी देखा नहीं। तो ये तो सिद्ध हो गए हैं और सिर्फ वायदा मांग के यानी एडजर्नमेंट मांग के इतनी देरी हो गई है, ये तो निश्चित जेल जाने वाले लोग हैं। अब प्रधानमंत्री के बारे एक भी केस नहीं है, इनके राज में एक भी केस नहीं लगा सके, इतना कहा कि वो दंगा में ये है वो है, कुछ नहीं। तो प्रधानमंत्री को तो कुछ जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, सारा देश समझता है कि ये नेहरू परिवार शुरू से जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चोरी की है। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की जेवर को चोरी कर दी जो जनता ने सिंगापुर में जापान में दी थी हिंदुस्तानियों ने, उसको इन्होंने चोरी करी, उसका मैंने सबूत पेश किया है, इसका अभी तक जवाब नहीं आया। हमारी सरकार ने केस नहीं डाली, वो दुख है, परंतु तो मेरे पास टाइम नहीं है कितना केसेस मैं डालूंगा। और इंदिरा गांधी का तो कोई हद ही नहीं है, वो नगर वाला केस को तो सबको पता है किस तरीके से वो पैसा लूट रहे थे स्टेट बैंक से। राजीव गांधी का तो अच्छा आदमी था परंतु वो बीबी के कारण फंस गया बफोर्स में। और सोनिया गांधी का तो हद ही है, हद से बाहर है, कितना चोरी उसने किया है, झूठ भी बोल दिया हमारे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ये सारा परिवार चोरों का परिवार है और वो हमारे प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। ये हमारी गलती है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत से कुछ सुलझेगा, उसका तो अस्तित्व है हिंदुस्तान के बुराई करते रहना और हिंदुस्तान को परेशान करते रहना। अब हमें कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए।